तो इन चारों में सबसे ज्यादा लड़ाकी कौन सी वाली? दूसरे नंबर वाली। जो आपने यह टेंट लगाया वो साल के लिए लगा लिया? जी लिया तो मैंने 5 दिन के लिए था, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है मैं 1 साल के लिए बुक करूं इसे। अगर वो चारों यहाँ पहुंच गई फिर? ना पहुंच ही नहीं सकती, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। मैं तो कराची का बोल के आया था, कराची जा रहा हूँ बिजनेस के काम के सिलसिले में, तो कराची से मैं आ गया फिर यहाँ पहुंच गया। मुनफरिद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी परेशान उदास खड़े लोग, तो यहाँ के एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, नहा रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों खड़े हैं? देखें जी ये जगह तो बहुत पुरसकून है, अच्छी जगह है, लेकिन मैं अपने घर से अपनी बीवियों से तंग आके इस जगह पे आके बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। बीवियाँ मीन्स कितनी बीवियाँ आपकी? मेरी 4 बीवियाँ। तो आप अकेले आए इधर? जी जी मैं अकेला आया हूँ तो सुकून महसूस कर रहा हूँ। नाज़रीन गौर से देखें इस इंसान को, इस इंसान की 4 बीवियाँ लेकिन ये अकेले बीच पे सैर कर रहे हैं, तो क्या 5वीं का इरादा है? नहीं नो, अब 5वीं का इरादा नहीं है। अकेले क्या कर रहे हैं इधर? अकेले बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, घर की टेंशन है, एक की टेंशन, दूसरी की टेंशन, ये वो कहती है ये करो, वो दूसरी कहती है ये करो, तो मैं यहाँ आया जब तो यहाँ पे मैंने रात स्टे किया, अब मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मैं तो उनके लिए तकरीबन 1 साल का एग्रीमेंट कर रहा हूँ इनके साथ, टेंट का, ये सामने मेरा टेंट है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 1 साल के लिए स्टे करूँ। यहाँ पे ना तो सिग्नल आ रहे हैं, ना फोन चल सकता है, ना पीछे से कोई कॉल आएगी मुझे। अच्छा तो मुझे बताया कि आपकी बीवियाँ जो लड़ती हैं आपस में? जी जी लड़ती हैं आपस में, क्या मेरे साथ बहुत लड़ती हैं। पहले मैंने जो बीवी की वो भी लड़ती थी, मैंने सोचा चलो दूसरी करता हूँ, शायद वो कुछ मेरे साथ ठीक वक्त गुजारे, लेकिन नहीं, फिर मैंने इसी वॉइस में तीसरी की, लेकिन तीसरी ने उससे बुरा हाल किया। अब जो मैंने चौथी की है, अब तो वो चौथी तो कहती है उन तीनों को छोड़ो मुझे साथ लेके चलो, लेकिन मैंने अच्छा किया जो मैं किसी को साथ ही ले गया। ये देखें इतना प्यारा समुंदर है, इतनी प्यारी पुरसकून जगह है, किसी की टेंशन नहीं है। मैं तो कल से 2 दिन से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताया कि लड़ाई झगड़ों की वजह से आपने पहली बीवी से दूसरी बीवी की, फिर लड़ाई झगड़ों की वजह से दूसरी से तीसरी की, फिर लड़ाई झगड़ों की वजह से तीसरी से चौथी, यही बात है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको सुकून किसी ने नहीं दिया? ना ना सुकून नहीं, सुकून यहाँ पे मुझे समुंदर ने दिया और हमारा बीच ने दिया। इससे पहले आपकी जिंदगी में सुकून नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये देखें कितनी प्यारी पुरसकून जगह है, टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए समुंदर है, हवा इतनी अच्छी है, मौसम अच्छा है यहाँ का। अभी इस वक्त सच्ची सच्ची बताएं, अभी जब समुंदर की तरफ देख रहे थे तो क्या ख्याल आ रहा था दिल में? बस दिल कर रहा था कि मैं इसमें डूब जाऊँ। 4 बीवियों में डूबे अभी सुकून नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सो मजा ही समुंदर में है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा शूज ना गीले हो जाए। अच्छा तो अभी जब आप रात से इधर आए एंजॉय कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी वाली बीवी की याद आ रही है? नहीं नहीं मुझे किसी की याद नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, मुझे बच्चों की याद आ रही है, बीवी की याद नहीं आ रही। चारों सक्के बड़े? जी जी बहुत ज्यादा। चारों में से कोई एक तो जो सही होगी, कोई खिदमत करती होगी थोड़ा बहुत? बिल्कुल कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं। चलो कोई खाना खुना आप खुद डाल के देते? जी जी मैं खुद खाना पकाता हूँ घर में। मैं खुद खाना पकाता हूँ, नाश्ता तैयार करता हूँ, बिल्कुल मैं काम करता हूँ घर में। अब 5वीं का क्या इरादा है? और मारा बीच पे आए वे कर ले पा? नहीं, अगर कोई मेरे साथ पहले डील करे, मेरे साथ कोई पहले डन करे कि मैं चलो कम से कम सिर्फ मेरा ख्याल रखेगी तो मैं जरूर करूंगा शादी। 4 का क्या करेंगे? उन 4ों को रहें अपनी जगह पे, खुद ही अपने काम करें। इतना खर्चा वगैरह सब के नखरे उठा लेते आप? जी मैं कहता हूँ साहब मेरा माशाल्लाह बिजनेस है अपना, प्रिंटिंग का मेरा बिजनेस है लाहौर में। तो इन चारों में सबसे ज्यादा लड़ाकी कौन सी वाली? दूसरे नंबर वाली। जो आपने यह टेंट लगाया वो साल के लिए लगा लिया? जी लिया तो मैंने 5 दिन के लिए था, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है मैं 1 साल के लिए बुक करूँ इसे। अगर वो चारों यहाँ पहुंच गई फिर? ना पहुंच ही नहीं सकती, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। मैं तो कराची का बोल के आया था, कराची जा रहा हूँ बिजनेस के काम के सिलसिले में, तो कराची से मैं आ गया फिर यहाँ पहुंच गया। अगर अब आपको मेरे कैमरे के थ्रू उन्होंने देख लिया तो फिर क्या करेंगे? ओ ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर तो मैं कभी भी घर नहीं जा सकूंगा। आप वो कह रहे हैं मेरी 4 बीवियां लड़ती है, तो अब क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, जाके माफी मांग लूंगा। माफी मांग सॉरी भाई मैं मजाक कर रहा था। मजाक करें, ये क्लिफ्टन में मौजूद है, मजाक करें, मजाक करें। जी बिल्कुल मजाक है, सीरियस नहीं लेना, मैं तुम चारों से बहुत प्यार करता हूँ।
भाई मुझे तो आपकी कहानी सुन के हंसी भी बहुत आ रही है, लेकिन अफसोस भी दिल से हो रहा है, क्योंकि इंसान शादी प्यार मोहब्बत करता है सुकून के लिए, तो आपको सुकून लेने के लिए समुंदर भी आना पड़ रहा है, तो आपने ज्यादा डिसहार्ट नहीं होना इन सारे मामलों से, ये तो चलते रहते हैं। नहीं नहीं, पहले मैं कुछ परेशान था काफ़ी दिनों से, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ है, बड़ी अच्छी जगह है, रिलैक्स हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं सब लोगों को यही बोलूँगा कि जो लोग घरेलू मामलात से परेशान हैं या वैसे ज़िंदगी से परेशान हैं, तो यहाँ पे आएँ, कुछ दिन यहाँ गुजारें, बहुत अच्छा फील करेंगे। ये और हमारा बीच वालों की मार्केटिंग के लिए तो नहीं खड़े हुए? नो नो, मैं तो खुद कल रात से मैंने 2000 रुपए में एक टेंट लिया हुआ है, तो अभी मैंने उन्हें बोला एक साल के लिए, तो वो कहते हैं भाई क्या चक्कर है एक साल के लिए। मैंने उसे बताया भाई कुछ गुंजाइश करो, मैं एक साल के लिए ले लूंगा, यहीं पे रुकूंगा, खाऊं पीऊंगा। नाजरीन, ये ऐसे खावंद है जो अपनी चारों बीवियों से तंग आकर साहिले समुंदर में इस वक्त मौजूद है, और ऐसे ऐसे इन्हें ख्याल आ रहे कि मैं समुंदर के अंदर घुस जाऊँ या कुछ ऐसे कर लूँ, क्योंकि इनकी बीवियों ने इन्हें इतना तंग किया हुआ है। और जैसे कि आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ कैंपिंग करनी है एक साल के लिए, मैं एक साल अपने घर नहीं जाना चाह रहा, तो सबसे ज़्यादा सुकून जो है आपको यहाँ आकर किस चीज़ से महसूस हुआ? सुकून यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, समुंदर यहाँ का साफ़ सुथरा है, यहाँ की कैंपिंग अच्छी है, खाना अच्छा है, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। और माड़ा में ये क्योंकि ये बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पे आते हुए लोग डरते हैं, तो मैं भी यहाँ पे आने से पहले कुछ थोड़ा सा परेशान था कि शायद वहाँ पे कोई ऐसी मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बलूचिस्तान का एरिया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पे आके देखा, यहाँ की सिक्योरिटी चेक की है, तो बिल्कुल ये सेफ़ है, चारों तरफ दीवार है, सिक्योरिटी गार्ड है प्रॉपर यहाँ पे, तो बिल्कुल मुझे बताया कि जितनी जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा यहाँ क्या प्रॉब्लम होनी थी ना, वो उसमें वैसी तो एक भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो सुकून ही सुकून है। लास्ट में मुझे ये बताया कि आपको मार कौन सी वाली बीवी से पड़ती है? खैर मार तो नहीं पड़ती, कभी कभी गालियाँ पड़ जाती हैं जब खाना सही ना बनाऊँ। घर के सारे काम आप करते हैं? खाना पकाना या संडे वाले दिन कपड़े धोना। हाँ। कपड़े धो लेते हैं? जी जी, कपड़े मैं धोता हूँ। चारों एक ही घर में रहती हैं? जी जी, एक ही घर में रहती हैं। फिर तो काम बटन ज्यादा हो जाता होगा। नहीं, मैं खाना जब बनाता हूँ तो सब मिलके खाते हैं। जी नहीं, तो मैंने कहा अगर लाते लाते रहती है तो 10 से 11 एक घर में ड्यूटी, 11 से 12 एक घर में नाश्ता। नहीं नहीं, ये सिस्टम नहीं है, खाना मैं एक ही साथ बनाता हूँ और सब एक ही साथ बैठ के खाते हैं, तो फिर सब खाने के बाद बर्तन आप अकेले धोते हैं? नहीं, बर्तन वो धोती है, मैं कपड़े धोता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, बर्तन वो धोती हैं। टांगे टूंगे दबाने का मौका मिलता है आपको उनकी? जी, मैं दबाता हूँ सबकी दबाते। बस जो जिस दिन बर्तन, जिसने बर्तन धोने हैं या घर का काम करना है, उस दिन उसकी टांगे मैं दबाता हूँ। आप हंस रही हो? अच्छा नहीं, वैसे मुझे, मैं दिल से नदीम भाई जो है आपके साथ बहुत हमदर्दी कर रही हूँ, और मैं दिल से दुआगू हूँ कि अल्लाह मियां आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून जो है वो लेकर आए, और शायद कोई आने वाली है। नहीं नहीं, चार बीवियों के होते तो सुकून आ ही नहीं सकता, ठीक है ये तो गलत बात है, लेकिन फिर भी अच्छी हैं, मैं पकाता हूँ वो खा लेती हैं, मुझे बाजार से नहीं ला के देना पड़ता, ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसे सुकून ही समझता हूँ। ये नदीम भाई और इनकी ज़िंदगी के हवाल जो है वो आपने जान लिया है, तो और हमारा बीच पे आने का मुझे लग रहा है मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि एक ऐसे शख्स की कहानी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया देखने वाली है, जिसकी कहानी बिल्कुल ही लाजवाब है, बिल्कुल ही अनोखी है, चार शादियाँ इन्होंने की हुई है, और जो इनका हाल है वो तो आपने देख ही लिया है। मैं सिर्फ नदीम भाई आपको लास्ट में इतना कहना चाहूँगी, ज़्यादा दिल बर्दाश्त नहीं होना, यहीं यहीं से इन्जॉय करना, अंदर जाने के मैंने तो अभी थोड़ा सा भी आगे नहीं गया, कल से मैं आया हूँ, कल दोपहर का यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं बस देख के एंजॉय कर रहा हूँ, दूर से एंजॉय करें, बाकी साल है अभी आपके पास, पूरा साल आपने यही देखते रहना है। जी नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।